ओम योग संस्थान ट्रस्ट पाली के रजत जयंती समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और बाबा रामदेव ने शिरकत की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। संस्थान की छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर भारतीय संस्कृति से मेहमानों का स्वागत किया। वहीं योगाचार्य ओम प्रकाश द्वारा मेहमानों को पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने संस्था के रजत जयंती समारोह की बधाई देते हुए कहा कि संस्थान में चलाए जा रहे विद्यालय में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हमारी महान संस्कृति, सभ्यता, चरित्रिक अनुशासन, सेवा तथा राष्ट्रभक्ति को प्रमुखता दी जाती है। यहाँ के छात्र छात्राएं शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक स्तर पर बहुत ही सुदृढ़ हैं। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनते हैं तथा देश को उन पर गर्व होता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर नए वैवाहिक जोड़ों को भी विवाह करवा कर उन्हें आशीर्वाद दिया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि आजादी के आंदोलन को दिशा और नेतृत्व देने वाले सभी आर्य समाजी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। उन्होंने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की आज 200वीं जयंती पर सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। ओम योग संस्थान ट्रस्ट के योगाचार्य ओम प्रकाश ने कहा कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए चिंतन और मनन करने से सकारात्मक दृष्टिकोण का भाव मिलता है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के गर्म दल और नरम दल के नेतृत्व के लिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती प्रेरणा के स्रोत बने हैं। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके समाज को नई दशा और दिशा देने का काम किया, जो हमेशा हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण की सोच के अविस्मरणीय रहेंगे। जैसी भारतीय पारंपरिक एवं सांस्कृतिक विद्या को जन जन तक पहुँचाने वाले ओम योग संस्थान ट्रस्ट के इस पवित्र प्रांगण में आज जो यह भव्य आध्यात्मिक समागम देखने को मिला है, इसको देखकर और इसमें भाग लेकर मैं बहुत ही ऊर्जावान और प्रसन्नता कर रहा हूं। फरीदाबाद क्षेत्र जिसको औद्योगिक नगरी के नाम से जाना है, पहचाना जाता है, उसने आज ओम योग संस्थान की गतिविधियों के फलस्वरूप आध्यात्मिक नगरी का भी स्वरूप ले लिया है। ऐसा अलौकिक दृश्य देखकर मैं बहुत ही आत्मिक आनंद महसूस कर रहा हूं और इस सबकी जगह आप सबके चेहरे पर भी टिका रहा है। मुझे बहुत ही खुशी है आज हमारे रामदेव बाबा जी योगा के बारे में देश में विदेशों में जाने माने वाले बहुत महान आदर्श योगी रामदेव जी आज बहुत ही जो है भारत की संस्कृति को योगा के रूप में अपने करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य को बचाने में आपका जो योगदान है उसके लिए मैं हमारे रामदेव बाबा जी को अभिनंदन करना चाहता हूं।